कलर्स पर इस शुक्रवार महा शुक्रवार होने वाला है। आप सभी को बताते चले कि कलर्स अपनी चार शोज के साथ बहुत बड़े ट्विस्ट लाने की योजना बना रहा है। इस शुक्रवार आप देखेंगे कि किस तरीके से चार शोज में गजब के ट्विस्ट आने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस महा शुक्रवार में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कौन कौन से शोज हैं। तो पहला इश्क में मर जाऊँगा, छोटी सरदारनी, शक्ति और बैरिस्टर बाबू। अब आपको पता चले कि इन चारों शोज में गजब के ट्विस्ट आएंगे। जहां बात करें इश्क में मर जावा की, तो इस शो में आप देखेंगे कि जो रिधिमा जिस कारण से पहुंची है वंश के घर पर, कहीं ना कहीं वंश को इस बात का इल्म लग ही जाएगा। वंश को ये बात मालूम चल जाएगी कि जो रिधिमा है वो यहां पर किसी के कहने पर आई है। अब देखना दिलचस्प होता है कि क्या इस बार रिधिमा बात को संभाल लेती है। तो वहीं बात करें छोटी सरदारनी की, तो छोटी सरदारनी में आप देखेंगे कि जो मेहर और प्रतीत का बेटा है, यानी कि अभी नन्हा मुन्ना जो मेहमान आया है, उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घटेगी, वो गायब हो जाएगा और फिर किस तरीके से सबरजीत और मेहर मिलकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं। बात करें शक्ति की, तो शक्ति में आप देखेंगे कि आखिरकार हीर को ये बात मालूम चल जाती है कि सौम्या जो थी वो किन्नर थी, और साथ ही साथ अपने अस्तित्व के बारे में भी हीर को मालूम चल जाएगी सच्चाई। और अब आपको बता दें कि हीर जो है वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। देखना दिलचस्प होता है कि क्या कहानी में नया मोड़ और आते हैं। बात करें बैरिस्टर बाबू की, तो बैरिस्टर बाबू में एकादशी की पूजा नज़दीक आ चुकी है। पूरे समाज में ये बात फैल गई है कि जो अनिरुद्ध है अपनी पत्नी बॉम्बिता को अंग्रेजी डॉक्टर के पास लेकर गया था, और फिर जो पंडित जी हैं वो आते हैं और कहते हैं कि भाई पहले ही बता दो कि तुम्हारे बहू में कोई दोष है, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे घर में एकादशी की पूजा नहीं होगी। काका ससुर काफ़ी डर जाते हैं, वो कुछ बोलते तो नहीं है लेकिन वो इस बात के बारे में सबसे कहते हैं कि कोई किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। तो क्या एकादशी की पूजा होगी अनिरुद्ध के घर में, क्या होता है क्या नहीं, ये जानने के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल से।